अडानी ग्रुप प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच माल ढुलाई भाड़ा विवाद के चलते हिमाचल प्रदेश के दो सीमेंट प्लांट बीते दो महीने से बंद पड़े हैं, जिससे सीमेंट कंपनी से जुड़े ट्रक ऑपरेटर्स, चालक व इससे जुड़े दुकानदार व ढाबा संचालकों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो चली है। जहां एक ओर बिलासपुर के बरमाड़ा व सोलन के दालाघाट सीमेंट प्लांट प्रबंधन एक अंक में ही ट्रक ऑपरेटर्स को किराया देना चाहते हैं, तो वहीं अब ट्रक ऑपरेटर्स 12 रुपए 4 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर की मांग कर रहे हैं। सीमेंट कंपनी और ट्रक यूनियनों के बीच माल ढुलाई दरों को लेकर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में माल ढुलाई दरों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार इस मामले को अतिशीघ्र सुलझाने के लिए प्रयासरत है और मुख्यमंत्री ने इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए कंपनी के उच्च अधिकारियों और ट्रक यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। वहीं सरकार जल्द से जल्द कोई ना कोई हल निकालने के लिए प्रयासरत है। वहीं विवाद न सुलझाए जाने पर ट्रक ऑपरेटर्स ने कड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। देखो, आज जो है हमारी मीटिंग जो है, कल रात को मुख्यमंत्री जी के साथ ट्रक ऑपरेटर्स की मीटिंग हुई थी और उसमें ये तय किया, क्योंकि रेट्स की फ्लक्चुएशन थी, जो एम्प्लॉयज़ जो हैं अदानी ग्रुप के थे वो रेट्स पे क्लैरिफिकेशन नहीं कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी ने इनके सीईओ है मिस्टर कपूर, उनको आने के लिए हिमाचल प्रदेश में कहा है। वो आज सुबह आए हैं और आज हमारी जो है मीटिंग जो है दोनों पार्टीज, ट्रक ऑपरेटर यूनियन भी और सीमेंट का जो मैनेजमेंट है, उनसे आज हमारी विस्तृत रूप से बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई है। सीमेंट प्लांट वालों ने भी अपना रेट कोट किया है जो कि बहुत कम है, और हमने वो रेट ट्रक ऑपरेटर यूनियंस को भी बताया है, मगर ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने कहा है कि भाई वो रेट जो है बहुत कम है, हम इस रेट पे मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने जो सीमेंट प्लांट है उन्होंने 10 रुपये फॉर 6 टन सिंगल एक्सल और 9 रुपये जो है वो डबल एक्सल वाली गाड़ी का रेट कोट किए हैं, और जबकि ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने जो रेट कहे हैं वो 10 रुपये 70 पैसे पर किलोमीटर जो है वो उन्होंने रेट कोट किया है, और मल्टी एक्सेल के लिए जो है उन्होंने 5% जो ये रेट है इसका रिबेट करने की बात की है। हमने विस्तृत रूप से दोनों पार्टियों से चर्चा की है, अकेले में भी बात की है और इकट्ठे बिठा करके भी दोनों पार्टी से बात की है, मगर वो जो है वो अभी जो है उसमें बात नहीं बनी है, और अभी दोनों पार्टीज जो है वो अपने अपने रेट्स पे अड़ी हुई है। जो ये डिस्प्यूट है ना, ये डिस्प्यूट है दो पार्टीज के बीच में, सीमेंट ओनर और ट्रक ऑपरेटर। हम तो जो है सरकार तो एज ए मीडिएटर काम कर रही है, और हमने मुख्यमंत्री जी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है जिसमें 3 सदस्य हैं। मैंने खुद अपने आप जो है कोई कम से कम 6 मीटिंग्स जो है मैंने ट्रक ऑपरेटर्स और अदानी ग्रुप के साथ आपस में हमने की है। हम तो एज ए मीडिएटर काम कर रहे हैं। This is a dispute between two parties and we are trying to resolve it. अब अगर वो दोनों पार्टी अपना एक एटीट्यूड एडमेंट एटीट्यूड रख ले तो हम तो उसमें कोई विषय ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपकी बात ठीक है कि मुख्यमंत्री जी के क्लियर कट आदेश है कि हिमाचल प्रदेश के जो ट्रक ऑपरेटर्स है जिन्होंने अपनी ज़मीनें दी हैं उस प्लांट को लगाने के लिए, उनके इंटरेस्ट वॉच करना जो है हमारी प्राथमिकता जो है। अब सर अभी तो खैर हमारे निगोशिएशन जारी है, ऐसा नहीं है कि अगर आज हमारे निगोशिएशन आपस में वार्तालाप नहीं हो पाई है, कोई कंसेंसस रेट नहीं बना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो हमारी निगोशिएशन है या हमारा वार्तालाप है वो हमारा ख़त्म नहीं है। इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू। अभी हम फिर हमने मुख्यमंत्री जी को कहा है और मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं और वी आर ट्राइंग टू फॉलो ऑन इट, तो ख़त्म नहीं है। अभी कल परसों एक दो दिन में फिर से दोबारा से हमारी विस्तृत रूप से चर्चा होगी और हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लॉस तो इसको तीनों पार्टीज़ को हो रहा है, प्रदेश सरकार को 2 करोड़ रुपए का एक दिन का लॉस हो रहा है, ट्रक ऑपरेटर्स को भी 1 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है, और उनकी ट्रक ऑपरेटर्स की और स्थानीय लोगों की जहां रोज़गार के साधन सीमेंट प्लांट है वहां तो उनके रोज़गार की हालत जो है बहुत ख़राब हो चुकी है, सीमेंट कंपनी को भी लॉस हो रहा है। मगर अब ये समझने की बात है, हम तो एज ए मीडिएटर हम जो है वो बात कर रहे हैं। अब अगर फर्दर एक्शन क्या लेगी सरकार वो तो समय बताएगा, मगर वी आर विद द ट्रक ऑपरेटर।